पुली नंबर वन की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से टिप्स कैसेट्स और सीडीज पर गोविंदा और करिश्मा कपूर की पटाखेदार जोड़ी को लेकर आए हैं प्रोड्यूसर वाशु भागनानी बनाकर हीरो नंबर वन। हंसी के फव्वारों और नखत शैतानियों के नजारों से सजाकर लाई गई है सुपरहिट डायरेक्टर डेविड धवन के निर्देशन में रूमी जाफरी की नई कहानी हीरो नंबर वन। आनंद मिलिंद के संगीत का नया करिश्मा एक म्यूजिकल धमाकेदार तोहफा हीरो नंबर वन। टिप्स के वर्ल्ड क्लास कैसेट्स और सीरीज पर सुनिए बाजार से ले आइए घर को हंसी खुशी से गुलजार बनाइए क्योंकि ये है हमारा आपका सबका दुलारा गोविंदा हीरो नंबर वन। दोस्तों आपको याद होगा कि उस जमाने में कुछ गाने इतने पावरफुल थे इतने सुपर डुपर हिट थे कि जब जब हम उन गानों को इस जमाने में सुनते हैं ना तो सुनकर दोस्तों एक गर्व होता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश उस जमाने जैसे गाने दोबारा बनने स्टार्ट हो जाएं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मुझे भी मायूसी आती लगती है कि इस ज़माने में 90s जैसे गानों का लगभग आभाव सा हो गया है। आज हम जो ऑडियो कैसेट आपको दिखाने वाले हैं ना दोस्तों इसके पूरे ही गाने सुपर डुपर हिट थे। म्यूजिक था आनंद मिलिंद का जैसे कि सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। जी हाँ हीरो नंबर वन यही हमारी आज की ऑडियो कैसेट का नाम है और म्यूजिक हिट्स ऑफ 1996 में ये 14वें पायदान पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑडियो कैसेट है जिसकी 18 लाख ऑडियो कैसेट बिक गई थी। ऑडियो कैसेट कंपनी का नाम है टिप्स कैसेट। तो आज हम हीरो नंबर वन फिल्म की कैसेट दिखाएंगे साथ में गानों की झलकियां भी आपको सुनाएंगे और कुछ समय के लिए आपको खींच के ले जाएंगे सन 1996 में जहां पर आपकी और हमारी ढेर सारी खुशियां छुपी हुई हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं हीरो नंबर वन फिल्म की ऑडियो कैसेट का म्यूजिक भरा रिव्यू। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि म्यूजिक हिट्स ऑफ 1996 में 14वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑडियो कैसेट फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन। जी हाँ हीरो नंबर वन। तो हमारे पास फाइनली इसकी दो ऑडियो कैसेट हैं जिसमें एक है ओरिजिनल मास्टर कैसेट ये देख सकते हैं फर्स्ट वाली, सेकंड वाली है एक बहुत ही प्यारा रेगुलर कैसेट जो कि दोनों ही ओरिजिनल कैसेट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मास्टर कैसेट दिखा देते हैं। तो ये रही गोविंदा और करिश्मा कपूर की एक बहुत ही प्यारी ऑडियो कैसेट। बहुत से दर्शकों की यादें इस ऑडियो कैसेट से ज़रूर जुड़ी हुई होंगी। यदि आपकी भी यादें जुड़ी हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन से गाने आपने 1996 में हीरो नंबर वन के सुने थे और लगभग आपने भी धूम मचाई थी। गोविंदा और करिश्मा कपूर का फोटो साथ में यहाँ पर लिखा है वाशु भागनानी प्रेजेंट हीरो नंबर वन। इसके डायरेक्टर थे डेविड धवन और म्यूजिक था आनंद मिलिंद का और लिरिक थे समीर साहब के। ठीक है जैसा कि आप कैसेट में देख भी सकते हैं। इधर देखने पर टिप्स का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है हीरो नंबर वन और बैक साइड में यदि हम देखें तो गोविंदा साहब का एक बहुत ही प्यारा फोटो जो कि देख सकते हैं। इस फिल्म में उन्होंने बावर्ची का बहुत ही प्यारा रोल किया था जैसा कि आप जानते होंगे। और यहाँ पर इस फिल्म में 4 और 3 7 गाने दिए हुए हैं इस ऑडियो कैसेट में। अभी आपको थोड़ी देर से इसी ऑडियो कैसेट से गानों की झलकियाँ भी सुनाऊँगा। और रही बात इसकी पैकिंग की तो पैकिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सन 1996 की पैकिंग है। फाइनली ये है मास्टर कैसेट। चलिए मास्टर कैसेट आपको दिखा ही देते हैं। तो ये रही हीरो नंबर वन फिल्म की एकदम ओरिजिनल मास्टर कैसेट टिप्स कंपनी के बैनर तले।
ये साइड भी है, यहाँ पर लिखा है हीरो नंबर वन, ठीक है, और ये साइड ए है, यहाँ पर भी हीरो नंबर वन, और सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ये कैसेट अभी भी बहुत ही अच्छी है, इसकी रील भी अच्छी है। अभी आपको गानों की झलकियाँ इसी ऑडियो कैसेट से सुनाऊंगा, तो वीडियो कंटिन्यू करते रहना। चलिए अब हम आपको कवर और दिखा देते हैं, क्योंकि कवर देखने का एक अलग ही मज़ा होता है, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हीरो नंबर वन फिल्म के ऑडियो कैसेट का कवर। तो कवर बहुत ही बड़ा है, एक बार आप चेक कर लीजिए, ये देख लीजिए, बहुत ही शानदार कवर है, बहुत ही प्यारा कवर है। कवर देखकर वो आपको ऑडियो कैसेट वाला ज़माना ज़रूर ही याद आ गया होगा। तो ये फ्रंट में है, और बैक साइड में यदि हम देखें तो ये बैक साइड का कवर है हीरो नंबर वन का, गोविंदा साहब के बहुत ही प्यारे प्यारे पोज, साथ में करिश्मा कपूर, ठीक है, और पोज देखकर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और उसमें लिखा है हीरो नंबर वन। तो चलिए फिर दोस्तों आपको सुना ही देते हैं हीरो नंबर वन फिल्म के सुपरहिट गानों की झलकियाँ, वो भी ऑडियो कैसेट से, जिससे आपको वो पुराना ज़माना याद आ जाए। वैसे तो इसके गाने पूरे ही सुपरहिट हैं, फिर भी ऑडियो कैसेट के गाने सुनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। साइड ए का पहला गाना आ रहा है दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, गाने के बोल हैं सोना कितना सोना है, इसमें आवाज़ दी हैं उदित नारायण एवं पूर्णिमा ने। साइड ए का दूसरा गाना भी दोस्तों बहुत ही सुपरहिट गाना है, गाने के बोल हैं सातों जन्म तुम, और आवाज़ दी है कुमार सानू ने। साइड ए का तीसरा गाना भी बहुत ही शानदार है, गाने के बोल हैं तुम हम पे मरते हो हम तुम पे मरते हैं, और आवाज़ दी है विनोद राठौर एवं साधना सरगम ने। तुम हम पे मरते हो, साइड ए का चौथा गाना लास्ट बहुत ही शानदार है, गाने के बोल हैं मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है, जिसमें आवाज़ दी है उदित नारायण एवं साधना सरगम ने। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, मेरे यार। अब हम साइड बी के गाने आपको बताएंगे, तो साइड बी के गाने इधर दिए हुए हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं साइड बी के गाने। तो साइड बी का पहला गाना बहुत ही शानदार है, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, और इसमें आवाज़ दी है कुमार सानू एवं अलका याग्निक ने। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से तेरे बाप के डर। साइड बी का दूसरा गाना भी बहुत ही शानदार है, मैंने पैदल से जा रहा था, जिसमें आवाज़ दी है विनोद राठौर एवं पूर्णिमा ने। साइड बी का लास्ट तीसरा गाना भी धूम मचाने वाला गाना है, गाने के बोल हैं यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, आवाज़ दी है सोनू निगम ने। यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने हीरो नंबर वन फिल्म के सात गाने पढ़कर सुनाए, साथ में इसी मास्टर कैसेट से आपको गानों की झलकियां सुनाई। कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना, कोई यादें जुड़ी हुई है तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको रेगुलर कैसेट दिखाते हैं दूसरे नंबर की। ये रही रेगुलर कैसेट, इसका पोस्टर थोड़ा सा अलग है, देख सकते हैं गोविंदा करिश्मा कपूर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर लिखा है बासु भागनानी हीरो नंबर वन, डायरेक्टर बाय डेविड धवन, म्यूजिक आनंद मिलिंद, लिरिक समीर। इधर देखने पर टिप्स का लोगो हीरो नंबर वन लिखा हुआ है, बैक साइड में भी सेम पोस्टर है जैसा उसका बैक साइड था, चार और तीन सात गाने आप देख सकते हैं। इसकी पैकिंग है 12-2000 की, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। बाकी कैसेट देखें तो ये रेगुलर कैसेट है, टिप्स वाली देख सकते हैं, सफ़ेद कलर वाली, ये साइड ए है और ये साइड भी है, इसकी रील भी अच्छी है, लेकिन जो आवाज़ उसमें है ना वो इसमें नहीं है, मैंने दोनों कैसेट चेक कर ली हैं। और ये रहा पोस्टर, फाइनली इतना बड़ा ही पोस्टर है, बैक साइड में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो गाने लिखे हुए हैं उसमें किस सिंगर ने गाए थे उनके नाम भी टिप्स कंपनी ने इस रेगुलर कैसेट में कहीं पर भी नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये कवर देख लिया और ये रेगुलर कैसेट भी देख ली। तो उम्मीद करता हूँ कि हीरो नंबर वन ऑडियो कैसेट देखकर आपको वो 1996 वाला ज़माना ज़रूर ही याद आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लेना।
तो चलिए फिर हम आपको कल शाम के 7 बजे मिलेंगे 1996 में आई 15वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑडियो कैसेट के रिव्यू के साथ। अब वो कौन सी ऑडियो कैसेट है, यदि आपने गैस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं किया है तो कल का वीडियो का इंतज़ार कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।